नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। टुडे आई हैव विद मी द ऑल न्यू जावा 350। ये बहुत ही खास मोटरसाइकिल है और बहुत सारी चेंजेस के साथ ये आती है। डेफिनेटली इसका जो पुराना वेरिएंट था और नए वेरिएंट थे, इन दोनों में तो डिफरेंस है ही है। इसके अलावा ये नया भी ऑफर बहुत कुछ करती है। आज की वीडियो में सबके बारे में बात करेंगे, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी स्टार्ट विद द इंजन। इसके अंदर अब आपको 334 सीसी का ऑल न्यू इंजन मिलता है। इसके बाकी रोडस्टर और दूसरे मॉडल जैसे बॉबर है उसमें भी ये इंजन आता है, लेकिन अब आपको ये वाला जो इंजन है इस मोटरसाइकिल के लिए रीट्यून्ड करके आपको मिलेगा। अब इस न्यू इंजन के अंदर आपको 22.5 पीएस की पावर मिलती है एंड 28.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस मोटरसाइकिल के अंदर देखने मिलता है। ओवरऑल पावर एंड परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा। यस, पावर फिगर्स आपको पेपर में थोड़े लो लगेंगे, लेकिन जब मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा था कहीं पर भी स्ट्रगल मुझे फील नहीं हुआ। दिस मोटरसाइकिल डू नॉट स्ट्रगल एट ऑल। इसका लो एंड मिड रेंज परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज अमेजिंग। हाई स्पीड में आपको इसके अंदर वाइब्रेशन फील होगी। आफ्टर 100 आपको वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन अगर आप इसे पुश करोगे तो आपको वाइब्रेशन नोटिस होगी। क्लासिक है तो लोगों को लगता है कि इसके अंदर ड्यूल चैनल एबीएस नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू, इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है। ब्रेकिंग का रिस्पांस भी काफी ज्यादा क्विक है। जब मैंने इसकी ब्रेकिंग ट्राई की एट द हायर स्पीड्स एंड नॉर्मल स्पीड्स एज वेल, उस टाइम पर इसके ब्रेकिंग का रिस्पांस काफी अच्छा मिला। ये मॉडर्न क्लासिक में आती है और मॉडर्न क्लासिक के हिसाब से मैंने इस मोटरसाइकिल को अभी 230 किलोमीटर चलाया है कच्छ में, और इसका जो परफॉर्मेंस है, जो इसका आउटपुट है, वो वाकई लाजवाब है। अब इस मोटरसाइकिल का जो व्हील बेस है वो बढ़ चुका है। नाउ दिस इज 1449 mm ऑफ व्हील बेस, जो पहले नहीं था। नॉट जस्ट दिस, इसके अंदर द ग्राउंड क्लियरेंस दैट यू गेट, दैट इज 178 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस इन दिस मोटरसाइकिल। ऐसे इस सेगमेंट में बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आती है, लेकिन इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको और किसी मोटरसाइकिल में नहीं देखने मिलता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम एन एडमायरर ऑफ क्लासिक लुकिंग बाइक्स, और ये मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल में बहुत अच्छी लगती है। आई हैव रिडन अ लॉट ऑफ क्लासिक मोटरसाइकिल्स, और उन सब में आई फील दिस इज राइट नाउ द बेस्ट। जो पिकअप है, जो थ्रॉटल रिस्पांस है, वो काफी अच्छा है। ओवरऑल इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो माइन्यूट चेंजेस हुई हैं। फाइव स्पीड मशीन जितनी भी आती है उसके अंदर एक लैग आपको फील होगा कि काश इसके अंदर एक पुश और होता। सिक्स स्पीड गियरबॉक्स 120 बहुत आराम से जाती। इस मोटरसाइकिल के अंदर अब आपको थोड़ा सा लॉन्गर सस्पेंशन देखने मिलता है, जो छोटे मोटे पॉटहोल से बड़े आराम से निकल जाते हैं। 178 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है। इस मोटरसाइकिल का वेट अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब ये 194 kg की है। एंड यस, इट डज हेल्प जब आप हाई स्पीड पे मोटरसाइकिल को क्रूज करते हो। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ इस मोटरसाइकिल को, तो इसको काफी प्रिसाइसली और बहुत सारी डिटेलिंग के साथ बनाया गया। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू गाइज इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे, बहुत ही रॉ लगता है। इसके अंदर एक छोटा सा डिस्प्ले है, जिसके अंदर आप ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर देख सकते हो। One more thing that they have changed is the seat. 250 kilometers चलाने के बाद I have noticed कि इसके सीट के अंदर कंफर्ट बढ़ चुका है। ऐसे after every 100 kilometers आपको लोअर बैक में पेन होगा या फिर यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। ये प्रॉब्लम इस मोटरसाइकिल के साथ नहीं है, इसकी वजह से मैंने मोटरसाइकिल को एक बार भी नहीं रोका। Now is the time for the exhaust note of this motorcycle. आप लोगों को पहले एक बार इसका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। आपको यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। मुझे जावा का जो ये एग्जॉस्ट नोट है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इनके हर मोटरसाइकिल में वो पुरानी बीट होती है, और इस बार इस साउंड के ऊपर भी काफी अच्छा काम हुआ है। द विंडस्क्रीन विच यू सी राइट हियर, ये एसेसरी में आती है, इसके अंदर नहीं आती। देयर आर 2-3 मोर ऑप्शंस जो आपको इसके अंदर एज एन एसेसरी आएंगे। पहले से इसके टायर जो है अब वो वाइड हो चुके हैं। दोनों ही टायर की प्रोफाइल मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। टायर वाइड होने का फायदा क्या होता है, आपको एक अच्छा और थोड़ा बेटर ग्रिप मिलता है ऑन द रोड्स। अब वो चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। आई एम 5'10", इसके ऊपर जो मेरा सिटिंग पोस्चर है वो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है। After riding this motorcycle for 250 kilometers, I did not had any problem. 790 mm की seat height आपको इसके अंदर मिलती है। So जब आप बैठते हो तो आपकी sitting position ज़्यादा better होती है। This motorcycle will cost you 2,14,950 rupees ex showroom. अब इस price में क्या ये motorcycle worth है? Definitely yes. हर मोटरसाइकिल के अंदर जो कमियां होती है, अगर वो ठीक होकर उससे बेटर होकर अगर आ जाती है, और जावा हमेशा अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ वही करता है, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं धीरे धीरे जो अच्छे चेंजेस है वो सारे के सारे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। कलर ऑप्शंस, देर आर 3 डिफरेंट कलर्स, एक ब्लैक, दिस इज द मरून, थर्ड वन इज मिस्टिक ऑरेंज, ये इसके अंदर एक नया कलर है। लेकिन जब कभी भी आप ये जावा की मोटरसाइकिल चलाओगे तो इसके अंदर आपको वो जो पुरानी रेट्रो फील है वो आपको इसके अंदर मिलेगी, बट विद द न्यू जनरेशन पुश, विद द न्यू जनरेशन पावर। मैंने दोनों मोटरसाइकिल्स चलाई है, फ्रॉम रॉयल एनफील्ड एज वेल एज फ्रॉम दिस।
मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका जो पिकअप है काफी अच्छा फील, बाकी मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको पिकअप फील नहीं होगा, इसके अंदर का थ्रॉटल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैव बीन इंप्रूव्ड इन दिस मोटरसाइकिल। 13.2 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, एक्सीलेंट एक्सेलरेशन, 1449 mm ऑफ व्हील बेस, काफी अच्छे सस्पेंशन एंड ड्यूल चैनल ABS एंड स्लीपर क्लच, ये सारी चीजें आपको ये मोटरसाइकिल ऑफर करती है, एंड विद द न्यू इंजन जो कि काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। सो व्हाइल राइडिंग यू वोंट फील दैट हीट के हाँ भैया हमारे पैर पे गबा गबा ऐसे हीट मारे जा रही है, वो सारी चीजें आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर फील नहीं होगी। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल, इसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए